तंदूरी सब्जी और साथ में तंदूरी मखनी रोटी। इस बार मैं दे रही हूँ इस पे आपको 20 लाइक चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, इस पे आप 20 लाइक्स कीजिए, देखते हैं क्या आप ये चैलेंज पूरा कर पाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हिमानी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑनेस्ट हिमानी पे। दोस्तों मैं आज फिर से लेकर आई हूँ एक और तंदूरी रेसिपी। आप सोच रहे होंगे एक के बाद एक नई तंदूरी रेसिपी। जी हाँ, सर्दियाँ हैं तो क्यों ना उठाया जाए इस मौके का पूरा लाभ तंदूर की एक से एक नई कुकिंग का। मैं वैसे तो आपके साथ तंदूर में बनी हुई रोटी, तंदूरी रोटी और तंदूरी फुलके दोनों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और भी बहुत सी तरह की तंदूरी रोटियों की मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए तंदूरी मक्खनी रोटी। जी हाँ दोस्तों, बनाने में जितनी आसान, खाने में उतनी ही टेस्टी। जनरली हम देखते हैं तंदूर में जब हम कोई रोटी वगैरह सेकते हैं या पराठा सेकते हैं तो हल्का सा उसमें सख्तपन सा आ जाता है क्योंकि तंदूर की हीट के कारण। बट यहाँ पर आज मैंने मक्खनी रोटी बनाई है, इसे आप तंदूर में बनाकर देखिएगा मेरी रेसिपी से, और आप पाएंगे कि इसमें एक अलग ही सॉफ्टनेस, एक अलग ही टेस्ट, बहुत बढ़िया टेस्ट इसका लगा मुझे। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मुझे खुद को भी बहुत अच्छी लगी। इसे आप चाहे तो तवा पर भी बनाकर देख सकते हैं। नॉर्मल रोटी के कंपैरिजन में इसका टेस्ट, इसकी सॉफ्टनेस का लेवल ही अलग होता है। तो आइए फिलहाल हम जानते हैं इसकी रेसिपी की, इसे तंदूर में कैसे बनाया जाता है बेहतरीन तरीके से। आटा लगाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर गेहूं का आटा, जो कि सबसे अच्छा रहेगा मखनी रोटी के लिए। 3 कप यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है, और पर कप के हिसाब से मैं 1 टेबलस्पून व्हाइट बटर इसमें ऐड करती जा रही हूँ। आप चाहे तो जो सॉल्टेड बटर आता है मार्केट का वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने होममेड व्हाइट बटर लिया है। 3 टेबलस्पून व्हाइट बटर ले लिया है, और साथ में मैंने डाला है 1/2 चम्मच के करीब इसमें नमक। अब सबसे पहले तो हम इस बटर को इस आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो है इवनली ये मिक्स हो जाए। और आटा आप देख सकते हैं पूरा मिक्स करने के बाद इस कंसिस्टेंसी पे आ गया है, बट वो सर्दियाँ होने के कारण बटर जम गया है। तो यहाँ पर इस आटे को गूंथने के लिए मैं ले रही हूँ हल्का गुनगुना पानी। पानी यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है, और आटे को लगाते जाएं अंदाजे से। आपके हो सकता है आटा पानी ज़्यादा पीता हो तो थोड़ा ज़्यादा लगे, या फिर इतने ही पानी में गूंथ जाए। आटा इसका आप देखेंगे थोड़ा सा ऑलरेडी नरम होता है क्योंकि इसे बटर से लगाया है। आप हाथ भी देख सकते हैं मेरा थोड़ा ऑयली चिकना सा दिख रहा है, और आटा ये हमारा गर्म पानी से गूंदा है इसलिए भी सॉफ्ट ही रहेगा। तो ध्यान रहे कि आटे को एक्स्ट्रा सॉफ्ट करने की कोशिश ना करें, इन दोनों कारणों से आटा ऑलरेडी सॉफ्ट है। इसे अच्छे से कवर करके हमने 1/2 घंटे के लिए रख दिया था जिससे कि ये पूरा रेडी हो जाए, इसका ग्लूटेन भी रिलीज़ हो जाए, और जो बटर है वो भी अच्छे से इसमें एक्टिव हो जाए, ताकि एक सॉफ्टनेस जो है जो थोड़ी देर रखने के बाद जो आएगी इसको बनाने में, अब वो अलग ही मजा आएगा। तो अब आटा हमारा रेडी है, सबसे पहले हम गोल गोल पेड़ियाँ बना लेते हैं। यहाँ पर मैं पतली पतली ही रोटियाँ बना रही हूँ तंदूर में, क्योंकि ये मक्खनी रोटी है तो ये थोड़ा सॉफ्ट ही रहेंगी। बट अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और हैवी कर सकते हैं, क्योंकि तंदूर में जाने के बाद जनरली जो है हमारी रोटी थोड़ा सा कैड़ी हो ही जाती है, क्योंकि तंदूर उसका कारण होता है बेसिकली तंदूर की हीट। तो रोटी का आपने अपने पसंद के साइज़ का पेड़ा लिया और इसे अच्छे से गोल गोल करके बेल लिया। एकदम सॉफ्ट आटा है आप देख सकते हैं, और इसकी मोटाई भी आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मोटा इसको नहीं बनाया है। इस तरह से मैंने 3-4 रोटियाँ इकट्ठी बना ली हैं, और इधर मैं अब तंदूर को रेडी करती हूँ इन रोटियों को सेकने के लिए। तंदूर को रेडी करने का मतलब है मैंने उसे प्रीहीट होने के लिए रख दिया था ऑलरेडी 3-4 मिनट पहले ही। और इस बात का ध्यान रखें कि जब तंदूर की ट्रे भी हम निकाल कर देखें तो जैसे हम जनरली तवा चेक करते हैं रोटी के लिए, उस तरह से ट्रे को भी थोड़ा चेक कर लें कि वो प्रॉपर गर्म हो गई है कि नहीं। अभी गर्म नहीं हुई है तो 1 मिनट बाद इसे हम फिर से चेक करते हैं, क्योंकि नहीं तो अगर ठंडे तवे पे जैसे हम रोटी डालते हैं उसके कारण भी कैड़ी हो जाती है, तो ऐसे ही ये भी अगर ट्रे हमारी ठंडी होगी तो रोटी थोड़ा कैड़ी हो जाएगी। तो ट्रे को अच्छे से गर्म कर लें अंदाजे के अनुसार, और फिर उसके बाद रोटी को उस पर डाल दें सिकने के लिए। और सिकने के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ग्लास व्यू मिरर लगा हुआ है, इसमें आप आराम से उससे देख सकते हैं कि रोटी कैसे फूलने लगी है। आपको यहाँ से आराम से इसकी जो प्रोसेस है वो दिख जाएगी। तो लगभग लगभग 1 से 1.5 मिनट बाद ही हमारी जो रोटी है उस पर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, हल्की हल्की बबलिंग शुरू हो गई है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा और सेक लें, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से थोड़ा और फूलना इसका बाकी है। तो 1/2 मिनट के बाद ही या 1 मिनट के बाद ही मैं इसे चेक करती हूँ, और हल्का हल्का आप देखेंगे अब कलर भी आ गया है दोनों तरफ ही। पहले ये थोड़ा सा कच्ची लग रही थी, अब इसे पलट दिया है, और पलटने के बाद
ग्लास व्यू मिरर से ही देखते हुए इसको लगभग लगभग 1.5 मिनट के लिए मैंने रोटी को और सेक लिया है। तो आप देख सकते हैं लगभग हमारी 3 मिनट में ये एक रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। पतली पतली रोटी है और कलर भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर तंदूरी कलर इस पे आया है। एक रोटी हमारी तैयार हो चुकी है तो अब हम दूसरी रोटी भी डाल देते हैं बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये तंदूर बिल्कुल हॉट है तो आराम से हमारी अब रोटियाँ फटाफट सिकने लगेंगी। एक बार तंदूर गर्म होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है, उसके बाद रोटियाँ सिकने में टाइम कम लगता है। जब आपका फर्स्ट रोटी है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो इधर आप देखें कि 1 मिनट बाद ही ये रोटी कितनी ज़्यादा फूल गई है पहली रोटी के कंपैरिजन में। इसको मैंने पलट दिया है और 1 मिनट बाद मैं दूसरी साइड से भी चेक करूँगी। तो 1 मिनट होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रोटी को बाहर निकाल लिया है, दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से सिक गई है और फूल गई है। तो तंदूर में बनी हुई हमारी दूसरी भी तंदूरी मखनी रोटी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। कलर और लुक ही बता रहे हैं कि ये तंदूर में बनी है और आप देख सकते हैं मक्खन से बनी हुई है तो अभी भी ये स्टिल सॉफ्ट है। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ बनाया है तंदूरी मटर पनीर और रोटी हमारी मखनी है ही तंदूर में बनी हुई। ऊपर से आप अपनी पसंद का येलो बटर लगाए, वाइट बटर लगाए, घी लगाए। मक्खन में बनी है तो आप ना भी लगाना चाहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोटी इतनी सॉफ्ट बनी है कि उसे खाने में वैसे भी मज़ा आने वाला है। तंदूर में बनी और भी बहुत सारी नई रेसिपीज़ जानने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और इसके साथ ही मिलते हैं मेरे आने वाले किसी अगले वीडियो में। यहाँ पर आपने आज तंदूरी रोटी सीखी, साथ में मैंने बनाई है तंदूरी मटर पनीर, उसकी रेसिपी जानने के लिए भी जुड़े रहिए मेरे साथ। आने वाले कुछ अगले वीडियो में मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ।